प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कहा कि आप जिस शहर में हैं वे अद्भुत है। इंदौर एक दौर है जो विरासत को संजोए रखता है। खाने पीने के लिए अपना इंदौर देश ही नहीं दुनिया में लाजवाब है। 56 दुकान तो मशहूर है ही, सराफा भी है, इसलिए कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ के अनुभव आप खुद ही नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहाँ के बारे में जरूर बताएंगे। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वतंत्रता के क्षेत्र में थाना गोला का मंदिर पुलिस ने दो सातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट की दो घटना का किया खुलासा। लूट के घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, नकली पिस्टल व लूटे गए दो मोबाइल व नकदी की बरामद। पटना में होगी फिल्म की शूटिंग, कई स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मौका। मुंबई से आई हुई टीम भरूच होटल में रुकी हुई है ऑडिशन के लिए। सुबह 10 जनवरी मंगलवार को समय 10 बजे से सिविल लाइन भरूच होटल में पहुंचकर अपना फॉर्म सम्मिलित करें। फॉर्म बिल्कुल निशुल्क है और मुंबई से आई हुई टीम 11 बजे से सिलेक्शन करेगी और कई जगहों को चुना गया है हिंदी मूवी फिल्म बनाने के लिए। सभी स्थानीय कलाकार बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में उनको भी फिल्मी दुनिया में जाने का मौका मिल सकता है। मीडिया में खबर चलते ही सतना के इंदिरा गांधी कॉलेज के पास मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मजनू की लगाई क्लास। निगम आयुक्त सतना और महापौर सतना की तानाशाही के विरोध में 10 जनवरी से सतना नगर की सफाई ठप होगी। सफाई कामगार सभी हड़ताल पर जाएंगे। निगम आयुक्त सतना को 8 सूत्री ज्ञापन। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस सतना ने ज्ञापन देकर कार्य में 82 सफाई मजदूरों को उपस्थित नहीं कराया गया और न ही लंबित एरियर का भुगतान कराया गया। मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होने पर सफाई कर्मचारी 10 जनवरी से आंदोलन करेंगे। कस्टम विभाग ने कोलकाता एयरपोर्ट पर किया जब्त। कोलकाता एयरपोर्ट्स पर कस्टम के अधिकारियों ने बैंकॉक जाने वाले यात्री के सामान की तलाशी के दौरान गुटखा के पैकेट से 40,000 अमेरिकी डॉलर जब्त किया। गुटखा के पैकेट में छिपाकर 40,000 USD रखे गए थे। फिलहाल सीमा शुल्क कार्यालय की एयर इंटेलिजेंस विंग के अधिकारी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं कि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कहाँ से आई। भारत विकास परिषद शाखा सतना द्वारा आयोजित अमृत युवा सुरोत्सव 12 जनवरी 2023 हेतु खेर माई रोड स्थित बड़ेरिया मार्केट परिसर में पत्रकार वार्ता हुई संपन्न। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन से आरंभ होकर राष्ट्रगान के साथ पूर्ण हुआ। उल्लेखनीय है कि 12 जनवरी को प्रातः 10 बजे से नगर के 40 विद्यालयों के 7500 छात्र छात्राएं विद्यालय गणवेश में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीतों का सामूहिक गान करेंगे। आप सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करें। तेज प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा संचालित कंबल बैंक के माध्यम से कार्यकर्ताओं द्वारा टपरिया बनाकर रहने वाले कोलगवा सेवा बस्ती में रहने वाले बेसहारा गरीब मजदूरों को कंबल वितरण किया गया। कंबल पाकर कंबल ओढ़े लोगों के चेहरे खिल उठे और खुले मन से पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा करते हुए चित्त हो गए। ऑल इंडिया सैनी माली सभा जिला सतना के जिला सचिव शिवम माली व शहर अध्यक्ष सोनल शिवम माली के सानिध्य में बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें समाज के विकास से संबंधित तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा व अन्य आवश्यक कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में सतना के पदाधिकारी रहे उपस्थित।